सबकी बड़ी खबर आ रही है कि वायुसेना के विमान AS-32 का मलबा मिल चुका है। जी हां, वायुसेना का विमान AS-32 जो कि 8 दिन पहले लापता हुआ था, उसका मलबा अरुणाचल प्रदेश में मिला है। आपको बता दें कि 3 जून को लापता हुआ था वायुसेना का विमान AN-32 जिसके का मलबा अरुणाचल प्रदेश के सियांग से मिला है। एक बड़ी खबर आती हुई लगभग 8 दिन तक सर्च ऑपरेशन चला था भारतीय वायुसेना के साथ। इंडियन आर्मी, ITBP, स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर ऑपरेशन चला रहे थे, लेकिन 8 दिनों से कोई भी सुराग नहीं मिला। और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि AN-32 का मलबा मिल गया है। अनुमान यही लगाया जा था कि AN-32 दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, हादसे का शिकार हुआ है, लेकिन 8 दिन से उसका मलबा नहीं मिल रहा था, उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। और आज अभी इसी वक्त अब से कुछ देर पहले AN-32 का मलबा मिल गया है। AN-32 वायुसेना का वो विमान जो 3 जून को लापता हुआ था। इस पर बातचीत के लिए, जानकारी के लिए प्रणय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि AN-32 को लेकर जहां पर पिछले कई दिनों से इसकी खोजबीन लगातार जारी थी, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि AN-32 विमान का मलबा मिल गया है। फिलहाल फौरी तौर पर यही जानकारी मिल पा रही है। इसके अलावा कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द ये भी देखा जाए कि बाकी जो विमान में लोग सवार थे वो आखिरकार कहाँ हैं। इस पर अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। जी, क्या कितनी देर पहले की ये मिला विमान मिला, और क्या ये स्थानीय लोगों ने, ग्रामीणों ने ढूंढ निकाला, जो कि कहीं बताया जा रहा है किसी फार फ्लंग एरिया में था, या फिर जो एयरफोर्स जो कि काफी लंबे देर से बड़े बड़े जहाजों के साथ सर्च ऑपरेशन चला रही थी, उनको मिला ये विमान? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले काफी समय से सैटेलाइट के जरिए बात करें, चाहे हम एयरफोर्स खुद अपने स्तर पर इसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी या फिर आम लोगों की भी जो मदद इसमें दी जा रही थी, अरुणाचल प्रदेश की जहां पर इस विमान के लापता होने की पूरी जो जानकारी थी, तो वो जो है अभी एक जो उसके पार्ट है वो अरुणाचल प्रदेश के पास मिले हैं। तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि आखिर इसमें एम रोल किसका रहा है, लेकिन जो जानकारी है मिल रही है तो यही है कि एयरफोर्स के जो विमान के कुछ पार्ट्स हैं वो हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे। चलिए, बहुत